मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर शीघ्र कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर धर्मशाला में स्थापित किया जाएगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, खेलों के माध्यम से युवाओं को रखा जा सकता है नशे से दूर। एशिया के सबसे बड़े मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केंद्र सोलन में आज एक नया अध्याय जुड़ा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त मरीजों के लिए अब यहां विभिन्न थेरेपियों सहित हाइड्रोथेरेपी की भी मिलेगी सुविधा। नाहन में डेंगू के मामले सामने आने पर नगर परिषद ने डेंगू की रोकथाम के लिए आधुनिक फॉगिंग मशीन से डेंगू नाशक दवा का किया छिड़काव। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में वन विभाग में चल रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा। परियोजना में कार्यरत अधिकारियों को अपने अपने लक्ष्य जल्द पूरे करने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमाचल में पहली बार आयोजित की जा रही 43वीं अखिल भारतीय सिविल सेवाएं कबड्डी प्रतियोगिता का शिमला में किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में देश भर की 40 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कांगड़ा जिला के धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में 51वीं पुलिस स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट का आयोजन 17 से 19 नवंबर तक 500 पुलिस जवान लेंगे भाग। दो दिनों तक बर्फबारी के बाद जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड, ऊंची चोटियों पर आज भी हिमपात जारी।